हम मनुष्यों के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार जिन लक्षणों को चाहते हैं उसके आधार पर भी ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है वो कराया जाता है। तो वो किस तरीके का होता है फिर हम उसकी बात करेंगे। अब पौधों में जो कृत्रिम तरीके से जो कायिक प्रवर्धन कराया जाता है उसके प्रकारों की बात करते हैं। जैसे पहला प्रकार है दाब लगाना या लेयरिंग की बात करते हैं, और ये लेयरिंग जो है वो कोमल जो तने वाले पौधे होते हैं या झाड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है। कि इसके एग्जांपल्स जैसे देख लेते हैं, जैस्मिन है, अंगूर है, तो इसमें करते क्या है कि इनकी शाखाओं को जो है वो कुछ शाखाओं का जो हिस्सा है उसको मिट्टी में दबा देते हैं और देखते हैं कि लगातार उसमें जो है उस हिस्से में पानी की व्यवस्था बनी रहे। कुछ दिनों बाद देखते हैं तो वहाँ से कुछ जड़ें यानी अपस्थानिक जड़ें निकलने चालू हो जाती हैं। तो उस हिस्से को यदि काटकर कहीं और लगाया जाए तो वो जो हिस्सा यानी वो जो शाखा है जिसमें से जड़ें निकली वो एक नए पौधे में विकसित हो सकती है। ऐसा ही एक इसका दूसरा तरीका जो है वो कटिंग है, यानी कि कर्तन के द्वारा। और इसमें जो है गुलाब, गुड़हल आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है मुख्य बात ये ध्यान देनी चाहिए कि जिस पौधे की हम शाखा को ले रहे हैं वो पौधा जो है वो पुराना होना चाहिए, यानी एक वर्ष या उससे भी ज़्यादा हो। अब उसकी जो शाखाओं को जो काट लिया उसको उस समय ही उसका रोपण किया जाना चाहिए जब अधिक जिस समय में या जिस मौसम में उसके तने में या ज़्यादा वृद्धि होती हो, यानी अधिकतम वृद्धि होती हो, तो उस मौसम में उनकी शाखा की कटिंग कर ली। और कटिंग करके उसकी पत्तियों को निकाल देते हैं। अब जैसे ये पिक्चर में देख रहे हैं, अब उस शाखा को एक्चुअली क्या करते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन में डुबो देते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन जो है पौधों का एक वृद्धि कारक हार्मोन है, और ये जो है मेरिस्टमेटिक टिश्यू में पाया जाता है, यानी जो मेरिस्टेमेटिक जो टिप वाले हिस्से रहते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है और ये पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो हिस्सा है वो उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो उपस्थित हो, और उसको जब हम ऑक्सीजन हार्मोन में डाल के फिर जब हम उस शाखा को जब मिट्टी में दबाते हैं तो वो जल्दी वृद्धि करेगा। और ये धीरे धीरे क्या होती है वो शाखा जो है वो वृद्धि करने लगती है, उसमें से ऊपर प्ररो और नीचे जो है अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं। तो ये कर्तन यानी कटिंग के द्वारा जो है इनमें ये प्रजनन या कायिक प्रवर्धन कराया जाता है। अब एक और प्रकार गुटी की बात कर लेते हैं। गुटी जो है लेयरिंग से थोड़ा अलग होता है। लेयरिंग में क्या किया जाता है कि शाखा को जो है जमीन के अंदर दबाया जाता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो कि शाखा के कुछ हिस्से का जो छाल है, छाल वाला जो यानी बाहरी परत जो पौधे की है उसको हटा देते हैं। अब इस तने में मिट्टी की एक परत जो है वो बांध देते हैं और इस तरह की व्यवस्था करते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमेशा नम बना रहे, पानी की व्यवस्था रहनी चाहिए। अब ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो पिक्चर में, ये वाला हिस्सा में से अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं, और जब इस भाग को यानी जो ये शाखा है इसको अगर अलग जगह में जाकर लगाते हैं तो ये भी एक नया पौधा में विकसित हो जाता है। बच्चों हमें तरह तरह के गुलाब जो अलग अलग कलर के होते हैं वो आकर्षित करते हैं। आप जैसे ये चित्र में देख रहे हैं कई रंगों के ये होते हैं, तो गुलाब के लिए जो है ये अलग अलग तरह के जो हैं वो उनको किस तरीके से उनका कायिक प्रवर्धन किया जाता है, तो उसकी एक विधि है ग्राफ्टिंग की विधि है। ये ग्राफ्टिंग जो है वो सेम एप्पल, नींबू और आम में भी इस तरीके का कायिक प्रवर्धन कराया जाता है। तो ग्राफ्टिंग में असल में करते क्या है, जो डिजायर्ड कैरेक्टर वाला जो पौधा रहता है उसकी एक कलिका को काटकर एक पहले से ही स्थापित जो पौधा होता है, जैसे आप ये चित्र में देख रहे हो,
तो पहले से स्थापित पौधे पर उसको जो है वो फिट कर देते हैं, यानी उसको लगा देते हैं। अब जहाँ पर उसको लगा रहे हैं, जुड़ने वाले स्थान पर यानी संपर्क वाले स्थान पर जो है चिकनी मिट्टी या वैक्स से उसकी एक परत लगा देते हैं, ताकि अंदर का जो जो टिश्यूज है वो नम बना रहे और जीवाणु भी उसमें प्रवेश ना कर सके। अब जैसे ये दोनों को जैसे बांध दिए हैं, तो इन दोनों के उत्कों का क्या हो जाता है, संयोजन हो जाता है, और अब ये एक पौधे के रूप में जो है ये वृद्धि करने लगता है। तो इस तरीके के इसमें जो है वो दोनों के गुण जो है वो इसमें आ जाते हैं, क्योंकि उत्कों का जो है रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। तो गुलाब की कई तरह की किस्में इस तरीके से उत्पन्न की जाती हैं, और सामान्यतः ये ग्राफ्टिंग जो है वर्षा ऋतु में की जाती है, जो कि एक फेवरेबल समय रहता है पौधों की वृद्धि का। एक और विधि है इन आर्चिंग की विधि है। इसमें क्या करते हैं, आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो, एक निकृष्ट पौधा है और एक बेहतर किस्म का पौधा है। इन दोनों पौधे को जैसे आप देख रहे हो इसमें बांध देते हैं, यानी दोनों के पहले छाल को हटा दिया, और छाल को हटाने के बाद मिट्टी से उसको वो बांध देते हैं, और उसमें वो जो है ऐसी व्यवस्था करते हैं कि नमी बनी रहे, और कुछ दिनों बाद जो है फिर इनको भी अलग कर देते। तो यहाँ भी जो है बात आती कि दोनों के उत्तकों का है जो वो कॉम्बिनेशन हो जाता है, संयोजन होता है। एक और विधि है बडिंग के द्वारा। तो बडिंग के द्वारा तो ये भी जो है ग्राफ्टिंग के समान ही है। इसमें जो अंतर है ग्राफ्टिंग से उसको देखते हैं। तो इसमें जो पहले जो एक पौधा है वो स्टॉक है, और इस स्टॉक पर जो आप जैसे देख रहे हो आई या टी आकार का चीरा लगाया जाता है। अब इस आई या टी आकार के चीरे वाला जो स्थान है, जो पौधा हमको डिजायर्ड वाला चाहिए उसकी कलिका को काटकर इस वाले स्थान पर लगाया जाता है, और फिर उसको पॉलिथीन से जो है वो लपेट दिया जाता है। यहाँ पर भी क्या होता है, दोनों उत्तकों का क्या हो जाता है, संयोजन हो जाता है, और दोनों जो है किस्में का जो है मिलन हो जाता है। मतलब इसमें ऐसा किया जाता है कि एक दोनों के जो गुण मिल जाते हैं, तो एक नए तरीके की यानी कहना चाहिए वो किस्म हमके जो पौधा है वो हमको प्राप्त होता है। तो बडिंग जो है ये भी जो है पपीता, सीताफल, आम, कटहल, अखरोट, गुलाब, इस तरह के पौधों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक और विधि है माइक्रो प्रोपेगेशन की, यानी सूक्ष्म प्रसारण की। ये जो विधि है ये टिश्यू कल्चर या सेल कल्चर की टेक्निक पर आधारित है। इसमें भी क्या होता है, एक्चुअली में पौधे का एक छोटा सा भाग यानी टिश्यू यानी उत्तक को लेकर उससे हजारों या लाख की संख्या में पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। सूक्ष्म प्रसारण वह विधि है जिसमें पौधे के उत्तक से जो है कई संख्या में पौधे जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। अब इसमें इस विधि में करते क्या है, जैसे पौधे का जो है एक छोटा सा भाग ले लिया जो उत्तक है, इसको एक्सप्लांट भी कहते हैं। अब ये जैसे आप पिक्चर देख रहे हो इसमें जैसे टेस्ट ट्यूब वगैरह का उपयोग किया गया है, तो जितना भी इसमें उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको स्टरलाइज्ड किया जाता है, ताकि उसमें बैक्टीरिया जर्म्स ना हो जो उस पौधे को प्रभावित कर सके। तो स्टरलाइज्ड करने के बाद वो जो छोटा सा जो टिश्यू लिया, जो पार्ट लिया, उसको जो है एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें पोषक माध्यम रहता है उसमें डाल देते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो टिश्यू जो है वो धीरे धीरे इसमें वृद्धि होती है, कोशिकाओं के गुच्छे के रूप में ये बढ़ते जाता है, जिसको कैलस कहते हैं। अब इस कैलस को जो है इन फ्यूचर के लिए गुणन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। अब इस कैलस का एक छोटा सा भाग दूसरी टेस्ट ट्यूब, आप देख रहे हो ये वाली टेस्ट ट्यूब है, इसके में जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसमें ये डाल दिया जाता है। अब इस छोटे से भाग से एक नया पौधा विकसित होता है, आप जैसे ये इस पिक्चर में देख रहे हो।
तो अब ये जो नया पौधा बन गया यानी पौधा के जो भाग में विभेदित हो गया, इसको जो है फिर मिट्टी में लगाने से ये नया पौधे के रूप में बन जाता है। तो आप देख रहे हो कि छोटे से एक भाग से यानी उत्तक से जो है बहुत ज्यादा संख्या में जो है वो पादपों को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई कि पौधों में कृत्रिम तरीके से किस तरीके से कायिक प्रवर्धन के जरिए जो है कई तरह के पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इसके लाभ क्या हैं? तो उन लाभों को हम देखते हैं, जैसे कि लिली जो पौधा है उसको सामान्यतः यदि उगाया जाए तो 5 वर्ष या उससे भी ज्यादा लग सकता है, लेकिन इस विधि से यानी वर्धी प्रजनन विधि से ये बहुत कम समय में जो है ये वृद्धि करने लगता है। ऐसे ही जो बीज रहित पौधे हैं जैसे अंगूर है, अनानास है, केला है आदि के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण विधि है। और फिर इस विधि के जरिए जो आप जैसे माइक्रो प्रोपेगेशन की बात की, तो एक छोटे से ही भाग से बहुत ज्यादा संख्या में पादपों को प्राप्त किया जा सकता है। और फिर इस तरीके से अपनी इच्छा के अनुसार जो हमको लक्षण चाहिए उस आधार पर भी नई किस्मों को पैदा किया जा सकता है। और फिर जैसे इन आर्चिंग में आपने देखा था एक निकृष्ट पौधा और एक बेहतर किस्म वाला पौधे का जब कॉम्बिनेशन कराया गया तो उत्तक में जो संयोजन हुआ तो उससे भी एक अलग तरीके का पौधा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही दो गुणों को मिलाने वाला हो, जैसे आप नींबू आपने देखा होगा जैसे आर्टिफिशियली यदि इसको ग्रो करते हैं तो साइज में जो है वो संतरे की साइज ऑरेंज की साइज के रहते हैं और जो उनका गुण रहता है वो खट्टेपन का रहता है। ऑरेंज आप जानते हैं मीठा रहता है। तो अब आप देखो जो ये वर्धि प्रवर्धन का जो उपयोग किया गया, दो किस्मों के जो डिजायर्ड लक्षण चाहिए थे उनको प्राप्त करने के लिए किया गया। तो साइज में कैसा चाहिए था हमको, बड़ा संतरा के जैसे चाहिए था और जो क्वालिटी उसकी चाहिए खट्टेपन की चाहिए। तो इस तरीके से वर्धि प्रवर्धन से लाभ है, लाभ तो है ही लेकिन कहीं कुछ उसकी हानियां भी हैं। वो हानियां क्या है, चूंकि ये कायिक प्रवर्धन कायिक कोशिकाओं से पौधे विकसित होते हैं तो डेफिनेटली वो जो लक्षण है वो जनक के हैं। और धीरे 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 जब लगातार इस तरीके का प्रजनन या प्रवर्धन होता है तो जो कहना चाहिए क्वालिटी यानी कहना चाहिए वो थोड़ी कम हो सकती है, आखिरी जो पार्ट है उसमें हो सकता है कम हो जाए। और फिर यदि वर्धि प्रवर्धन यदि किसी रोगग्रस्त यदि पादप का हो गया है तो आगे की जनरेशन जो है वो फिर वैसे ही मिलेगी। और मुख्य बात जो है इस तरीके से जो है विविधता नहीं आ पाती है, वेरिएशंस नहीं आ पाते हैं। जो वेरिएशंस जो है वो जीवों को आगे जीवित रखने के लिए जरूरी होते हैं। तो इस तरीके से कायिक प्रवर्धन के लाभ तो हैं लेकिन कुछ हानियां भी हैं। और ये तरीकों के जरिए जो है हम अपनी इच्छा के अनुसार नई किस्मों को प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका एक बेहतर पार्ट है।